को आप लोग का स्वागत है। आप लोग का स्वागत है मेरे और मेरी मम्मा के चैनल में। तो हम लोग अभी शिखर जी से निकल गए हैं पारसनाथ के लिए और आगे हम लोग और अपडेट देंगे आप लोग को। आगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हम लोग को खूब मजा आया ना वंश। वंश को कैसा लगा? वंश पहली बार शिखर जी आया था तो वंश से पूछती हूँ, वंश को कैसा लगा सारे टेम्पल्स देख के, भूमियो बाबा का दर्शन कर। वंश बताइए आपको कैसा लगा? एकदम मस्त लगा। तो मैं सभी यात्रियों से जो आना चाह रहे हैं पारसनाथ, उनसे हम लोग क्या कहेंगे कि इस गर्मी के मौसम में थोड़ा सा अवॉइड करें शिखर जी आना, क्योंकि बहुत गर्मी की वजह से आप अच्छे से एंजॉय कर सकते नहीं कर पाओगे। एंजॉय आप लोग नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो तो आप लोग शिखर जी के लिए आइएगा गाइस, है ना वंश? तो और ज्यादा मस्ती कर पाएंगे और इस यहाँ के मंदिरों का और यहाँ के शांति वातावरण का आनंद उठा पाएंगे आप लोग। बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल जगह है, लोग बाहर विदेश घूमने जाते हैं। मैं अगर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो भी पहले से आए हुए हैं पारसनाथ वंश ना, उनसे हम लोग क्या कहेंगे कि एक बार जरूर कमेंट में आप लोग बताना कि क्या ये सही बात है कि नहीं, कि बहुत ही मजा आता है आने में और बहुत अच्छा आनंद, जैसे लगता है एक तरह का स्वर्ग है यहाँ पे, है ना वंश? बोलो वंश। एक तरह का स्वर्ग। और गाइस आप आइएगा तो अपने आप ही एक आपके अंदर से ऐसा माहौल और ऐसा मन बन जाएगा। कैसा मन बन जाएगा वंश? भक्ति भाव का एक अपने आप ही मन बन जाएगा और आपको लगेगा इस भक्ति में हम डूब जाए, एकदम रम जाए, मतलब दुनिया ही को भूल जाए और सिर्फ यहीं पे थम जाए, ये समय यहीं रुक जाए। बहुत ही आनंद भाई एकदम लगेगा। देखिए गाइस मैं बेटा क्या बोल रहा है। और आप लोग जब भी पहाड़ को देखेंगे प्लीज पहाड़ को चढ़िएगा और अगर चढ़ के मजा आया और अगर आप पहाड़ के वो चाचा मंदिर है उसको देखिएगा और अगर भगवान होंगे तो उनका आशीर्वाद दीजिएगा पंडित जी का भी और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा पहाड़ के ऊपर टॉपर जाने के लिए। और हम लोग को जरूर से जरूर रिव्यू दीजिएगा कि आप लोग को क्या हमने क्या गलत एक्सपीरियंस बताया कि सही एक्सपीरियंस बताया, कि क्या ये सही अच्छा था आप लोग का एक्सपीरियंस ये कैसा था। और आप लोग को पहुंचने में और आने में कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ पे अच्छे तरीके से सुविधा है गाड़ी वैन ये सब का। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि आप लोग को अगर आप लोग रांची से अगर आओगे तो कैसे आना है, और जो आते हैं हमेशा उनको तो पता ही है, और जो बाहर से भी आते हैं तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग पारसनाथ की ओर निकल गए हैं, तो आप लोग मतलब पारसनाथ पहुँच कर हम लोग मिलेंगे आप लोग से। तब तक के लिए बाय। हमारा वीडियो कैसा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और सभी कोई कमेंट में भर भर के लिखिए जय भूमियो बाबा की जय, जय पारसनाथ धाम की जय। बाय, सभी को बाय करो।